अस्सलाम वालेकुम। कराची में लर्जाखेज वारदात, डकैती के दौरान मुजाहिमत पर मारूफ अदाकारा का बड़ी कत्ल, तेल का खेज इंकशाफात सामने आ गए। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर में गुरु मंदिर चौक के करीब मतलब में कत्ल किया गया हकीम पाकिस्तानी अदाकारा सलोमी का भाई निकला। पुलिस का कहना है कि वारदात किसी तनाजे का शाखसाना लगती है। अदाकारा सलोमी का कहना है कि उनके भाई अब्दुल वहीद हर्बल जड़ी बूटियों का काम करते थे, जिन्हें मुल्जिमान ने दुकान में घुसकर मुजाहिमत पर कत्ल किया। भाई के स्वयं के बाद भरपूर कानूनी कार्रवाई करूंगी। पुलिस के मुताबिक जमशेद क्वार्टर थाने की हदूद में गुरु मंदिर चौक ईडी सेंटर के करीब वाके अलनूर दवाखाने पर 22 दिसंबर की शाम 7:30 बजे वारदात हुई थी। क्लिनिक के मुलाजिम अहमद के मुताबिक दो लड़के हकीम के मतब पर आए और कैश काउंटर पर मौजूद मकतूल से गन पॉइंट पर रकम मांगी, जिस पर अहमद ने मुलजिमान पर बरनी खींच कर मारी और मकतूल ने एक मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर मुलजिमान ने कैश काउंटर पर मौजूद अब्दुल वहीद को गोली मार दी। क्लिनिक पर मौजूद हकीम नूर मोहम्मद वाकये में महफूज रहे। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान 3 से 4 सेकंड में वारदात करके दुकान से चले गए थे।